तो दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेरीज होते हैं कि जब आपका डॉग छोटा हो आप उसको नहला नहीं सकते, तब उसके कोट को कैसे फ्रेश रखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम क्या होता है कि आप उसको नहला नहीं सकते और वो मदर फीड में रहती है, माँ भी दो डेढ़ ढाई तीन महीने से नहीं नहलाई हुई है, तो क्या होता है कि उनके बॉडी में बहुत हद तक स्टिकी नेक्स, इचिंग, ऑयल, मतलब टिक्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो टिक्स होती है जो आ जाती है, तो उन सबसे कैसे छुटकारा पाया जाए विदाउट गिविंग ए बाथ टू द पपी, तो इस वीडियो में आज इसी बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, आप वीडियो का एंड ना मिस कीजिएगा। तो दोस्तों बचपन में जब आपके डॉग को आप नहला नहीं सकोगे तो उस पर जो टिक्स आएंगे या फिर कोई इरिटेशन, इचिंग, बैड स्मेल डेफिनेटली आएगा, उसका जो मिल्की स्मेल थोड़ा आएगा, उसके फूड का स्मेल आएगा, क्योंकि बचपन में डॉग जो है बैलेंसिंग नहीं होते तो वो गिर जाते हैं और आप उसको नहला भी नहीं सकते क्योंकि सम इंपॉर्टेंट इश्यूज की वजह से आप उसको नहला भी नहीं सकते और उसके बॉडी में धूल मिट्टी होती है, आप कितना झाड़ोगे, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं और बालों के कारण जो गंदगी है, जो डस्ट है, वो अंदर तक चली जाती है और वो धीरे धीरे रॉटन टाइप स्मेल देना शुरू कर देती है। तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, उस टाइम पे आपको यूज करना है ये प्रोडक्ट, हिमालय का फ्रेश कोट। ये इसका रिव्यू मेरे चैनल में पिछले वीडियो में भी दिया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, इसके बारे में बोला है मैंने। या आप बड़े डॉग्स के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर विंटर टाइम हो या फिर आप नहलाना नहीं चाहते तो इसको आपको यूज करना है। आप उसके बॉडी में जेंटली स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद रफ कर सकते हो या फिर ऐसे क्लॉथ जो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे उस क्लॉथ में स्प्रे करके उसको जेंटली रफ कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, उसका जो टिक्स है वो रिमूव हो जाएगा और उसका जो मतलब इचिंग, ऑयलीनेस और कोट जो है फ्रेश हो जाएगा। अब ये होगी कोट फ्रेश होने के बाद, अब जो टिक्स है, जो मेन प्रॉब्लम है, जो 99% बचपन में डॉग्स को आती ही आती है, तो वो टिक्स रिमूव करने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये मैंने खुद 5-5 डिब्बे इस्तेमाल किए हैं, ये हिमालय का बहुत बढ़िया पाउडर है, ये एरिना ईपी, ये पाउडर आप देख सकते हैं, ये आप किसी भी स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा पाउडर, 150 ग्राम्स का है और इसका प्राइस जो है 175 रुपीज है, बहुत बेहतरीन टिक्स रिमूवल ये है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है टिक्स एंड फ्लिक कंट्रोल, तो ये मतलब कंट्रोल क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने टिक्स बहुत आसानी से रिमूव कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपको बचपन में अपने डॉग्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अपने डॉग्स के कोट को फ्रेश रखने के लिए और उनके जो टिक्स है उसको तो ये 100% रिमूव कर देगा। आपको अब इस्तेमाल किस किस डोज में करना है वो है इंपॉर्टेंट बात इस पीरियड में। तो बचपन में डॉग जब छोटा होगा तो आपको ये हर ऑल्टरनेटिव डे, एक दिन बाद आपको ये वन टाइम यूज करना है, शाम को या फिर सुबह या फिर दोपहर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जब आपको लगे कि आपका डॉग का कोट जो है वो थोड़ा मतलब थोड़ा उस पर इस्तेमाल करना होगा तब आप करिए, और अगर रेगुलर करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिव डे कीजिएगा, रोज रोज ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसमें थोड़ी बहुत केमिकल्स भी होते हैं तो ये बच्चे डॉग्स हमेशा चाटते रहते हैं अपने बॉडी को, तो अपने मुंह में ना जाए, तो इसलिए हमेशा ना कीजिए। ऑल्टरनेटिव डेज भी कर सकते हैं और डेज में थोड़ा ज्यादा गैप भी हो सकते हैं, और इसको भी आप रेगुलर यूज करना होगा, हर दिन दो टाइम आपको यूज करना होगा, और जब आप इसको यूज करेंगे, जब आप इसको अप्लाई करेंगे, अपने डॉग को पकड़ के रखना, उसके मुंह के साइड पे ना जाए, ये पाउडर बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। जब आप इसको अप्लाई करने के बाद तभी आपको कॉम्बिंग भी करना है ताकि उसके जरे में वो पाउडर पहुंचे, और टिक्स जो होते हैं वो जरे में होती है, वो बालों पे नहीं होती, तो जरे से टिक्स को बाहर निकाले। तो ये दोनों प्रोडक्ट है, एक हिमालयन का पाउडर एरिना ईपी और हिमालय का फ्रेश कोट, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है अपने बेबी डॉग्स को इचिंग या फिर अदर कोट प्रॉब्लम से बचाए रखने के लिए। और अगर आपने ये प्रोडक्ट्स बचपन में यूज कीजिए करेंगे तो आपके डॉग्स को कोट प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा। तो कोट प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि अगर आप ये सब प्रोडक्ट्स यूज ना करें तो उसकी कोट जो है वो डैमेज हो जाती है, उसकी शाइन चली जाती है या फिर उसकी स्मूथनेस चली जाती है, और कहीं कहीं से बाल निकल जाते हैं, कहीं कहीं से रेड स्पॉट बन जाते हैं, क्योंकि वो इचिंग करता है और आपके डॉग को भी इरिटेशन होता है, और उस टिक्स जो है बहुत ही हार्मफुल होता है, वो आपके डॉग्स का जो खून है वो चूसते रहते हैं और डॉग्स को अंदर से बहुत ही इरिटेशन फील करता है। तो ये प्रोडक्ट्स आप जरूर यूज करें, अपने बचपन में डॉग्स को जरूर इस्तेमाल करवाएं और अपने डॉग्स को फ्रेश और प्रॉपर रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट, थैंक यू सो मच।